हमेशा पढ़ाई, बेहतर परफॉर्मेंस, इनोवेशन और उन सब की ही बात करेंगे और करते रहे हैं और आगे भी जब भी मौका मिलेगा करते रहेंगे, मगर आज ये मौका है जब हम आपको ये आपसे ये बात करें कि आप बेहतर नागरिक कैसे बन सकते हैं। सुबह हम लोग आए हुए हैं और ये प्लेटफॉर्म शायद ये है और मुझे लगता है कि ये किसी भी संस्थान की और किसी भी समाज की ये बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि हम अपने जो नवयुवक नवयुवतियाँ हैं, जो लड़के, जो यंग बॉयज़ यंग गर्ल्स हैं, उनको एक बेहतर सिटीज़न, बेहतर नागरिक बना सकें। ये समाज की और सिस्टम की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। इवन इफ़ यू डोंट बिकम ए गुड इंजीनियर, इफ़ यू बिकम ए गुड सिटीज़न, आई थिंक मोर देन हाफ द जॉब इज़ डन। यू शुड बिकम ए गुड इंजीनियर एज वेल, यू मस्ट बिकम ए गुड इंजीनियर एज वेल, बट देन बिफोर दैट, prior to becoming a good engineer, you must become a good citizen. एक बार के लिए अगर आप में से एक दो आदमी बहुत अच्छा इंजीनियर ना बने तो चलेगा, लेकिन अगर आप में से एक भी छात्र अगर अच्छा नागरिक नहीं बना तो वो हम सबके लिए बहुत दुख और शर्म की बात होगी, क्योंकि एक अच्छा, एक बुरा नागरिक पूरे समाज को टेंट कर देता है, पूरे समाज को परेशान कर देता है। आप अपनी पूरी दुनिया में चारों तरफ देख रहे हैं कि कुछ लोग आतंकवाद और ये वो फैला कर, कि कितने छोटे से लोग हैं, उनका परसेंटेज अगर देखा जाएगा तो 0.00001% भी नहीं होंगे टोटल पॉपुलेशन के, बट हम समाज, उनका परिवार, उनका परिवेश, उनका संस्थान, उनका विद्यालय उनको अच्छा नागरिक नहीं बना पाया, इसलिए पूरी दुनिया उससे परेशान। इसलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम आपसे ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि अच्छा नागरिक होना बनना ये सबसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरी ये स्वच्छता अभियान जो है वो एक तरह से आपको अपनी जो समाज के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एहसास कराने का एक बहुत अच्छा माध्यम है कि हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, हम जहाँ रहते हैं उसके मेरे प्रति, हम तो अपने घर में खाना बनाते हैं, आई एम श्योर कि आप अपने घर में थोड़ी सफाई भी रखते होंगे क्योंकि उससे हाइजीन आपकी डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो हम अपने लिए तो बहुत कुछ करते हैं, अपने लिए अच्छा जूता खरीदते हैं, चप्पल खरीदते हैं और ये खरीदते हैं, मगर हम अपने समाज के लिए क्या कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम अपने अगल बगल, बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल उतना ही करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हम चाहेंगे कि हम कोई महात्मा गांधी हैं कि पूरे देश को अफेक्टेड कर देंगे, नो, इट्स नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम ऑल ईच इंडिविजुअल ऑफ अस टू बिकम महात्मा गांधी, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट एट ऑल, या कोई ऋषि मुनि हम लोग हैं, वी आर कॉमन पीपल एक्चुअली, एकदम एब्सोल्युटली कॉमन पीपल, बट एज एन एब्सोल्यूट कॉमन पीपल, एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, ये महत्वपूर्ण है कि कम से कम हम अपने मोहल्ले और अगल बगल को जरूर देखें और वहाँ पे क्या बेहतर कर सकते हैं। अगर हमारे आसपास कहीं कुछ गंदगी है, आसपास कहीं कुछ खराब है, तो उसको बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, ये ज़रूर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और हमें अच्छा ये लग रहा है कि आपके संस्थान के द्वारा आपको ये प्रेरणा दी गई, उत्प्रेरित किया गया, और उससे भी बड़ी बात यह है कि आपने उसको रिस्पॉन्ड किया। इतनी बड़ी संख्या में सुबह सुबह अपनी अच्छी सी नींद खराब करके आप सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, दैट इज़ रियली रियली वेरी हार्टनिंग टू नो, दैट इज़ रियली रियली वेरी इंकरेजिंग फॉर द इंटायर सिस्टम। मैं चाहूँगा, मैं डॉक्टर आनंद से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना ये जो वीडियोज़ हैं, हमारे बच्चों ने जो बाहर जहाँ काम किया है उसको, जो हम लोगों का ग्रुप है ICT का और कॉलेज ग्रुप है, उस पर डालें, ताकि हमारे विभाग के अंतर्गत 58 संस्थान हैं इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक मिला करके, वहाँ पे भी टीचर्स, प्रिंसिपल्स और स्टूडेंट्स मोटिवेट हो सकें और एक अभियान जैसा बिहार सरकार के विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में एक अभियान जैसा चल सके, जहाँ हमारे सभी छात्र एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, स्वच्छता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चारों तरफ निकलते हैं। और आप ये ख्याल रखिए डियर स्टूडेंट्स, कि आपकी समाज में महत्व और आप जो कर रहे हैं उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट के निगाह से देखा जाता है। आप इंजीनियर्स हैं, आपने देखा होगा कि मोहल्ले में अगर मान लीजिए कि कोई किसी डिग्री कॉलेज का बच्चा जाए, का ग्रुप जाए और आप जाएं, उन दोनों में बहुत फ़र्क है। ज़रूर मोहल्ले के लोग या जिस भी इन्वायरमेंट में आप जा रहे हैं वो आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट के दृष्टि से देखते हैं, और इसीलिए हम हमेशा आपसे बोलते हैं कि यू आर डिफरेंट। आप कॉमन जो स्कूल कॉलेजेस हैं, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, उनको अंडरमाइन करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बट हम ये कह रहे हैं कि पूरा समाज आपकी तरफ ज़्यादा आशा भरी निगाहों से और ज़्यादा ध्यान से देखता है। जो बच्चे 9th, 10th, 11th, 12th में पढ़ते हैं, वो अपने इंजीनियरिंग के जो सीनियर्स हैं उनको ज़्यादा ध्यान से देखते हैं कि हाउ दे आर परफॉर्मिंग, समाज में वो कैसा बिहेव कर रहे हैं। वो ऐसा तो नहीं कि सड़क पर जो है हुड़दंग मचाते हुए चल रहे हैं, वो आपको बहुत ध्यान से देख रहे हैं।
ठीक है, आपको पता नहीं चल रहा है, बट दे आर एक्चुअली फॉलोइंग यू, दे आर इमिटेटिंग यू, आपको वो इमिटेट कर रहे हैं, इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप अपने अपने चरित्र से, अपने व्यवहार से और अपनी जो इस तरीके के जो उत्तम व्यवहार हैं उससे उनको मोटिवेट करें, क्योंकि आपको देख करके हो सकता है आज 10 और बच्चों ने कॉलोनी में सोचा हो कि अरे वाह, हमारे सीनियर्स जो हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के लोग कर रहे हैं अच्छा काम, यही होता है उनके साथ, आपके साथ अटैच है कि दे आर गुड पीपल एंड इफ दे आर डूइंग समथिंग इट इज डेफिनेटली गुड, इट इज डेफिनेटली ग्रेट, एंड देयरफॉर वी शुड इमिटेट इट। समाज में इमिटेशन, जो कॉमन मैन होता है वो इमिटेशन से चलता है, जो बड़ा लीडर होता है उसको देख करके वो अपने आप को उस तरफ से ढालने की कोशिश करता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज के प्रति नॉर्मल से हम कहते हैं कि थोड़ा ज़्यादा है, ठीक, थोड़ा सा ज़्यादा, इसलिए अपने आप को संतुलित रखिए, व्यवहार रखिए। और इसी के साथ मैं, मेरा एक बहुत पसंदीदा टॉपिक रहा है जो मैं आप लोगों के साथ 2 मिनट में शेयर करना चाहता हूँ कि अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। हम समाज की सिस्टम की सेवा तभी कर पाएंगे, पढ़ाई तभी कर पाएंगे, बेहतर प्रोफेशनल कैरियर तभी बना पाएंगे जब सबसे पहले मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आई एम नॉट एन एक्सपर्ट टू दैट बट मैं कुछ बहुत फंडामेंटल इशू पे आपको जस्ट बताना चाहता हूँ, शायद कभी मौका हो तो आप फॉलो कर सकें कि विद माय एक्सपीरियंस, मतलब मैं अपने बॉडी को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता हूँ, नॉट दैट आई से दैट आई एम इन वेरी वेल शेप और समथिंग ऑफ दैट काइंड, बट इंटरनली जो फिटनेस होती है, आई फील दैट फॉर लास्ट 10-15 ईयर्स आई एम इंटरनली फिट, मतलब हमको ऑफिस से 8 बजे जाने के बाद भी थकान नहीं होती, आई एम एबल टू डू समथिंग। और उसके लिए बस आपको छोटे छोटे 1-2 टिप शेयर करना चाहता हूँ, आई थॉट दैट दिस इज़ अ बेटर प्लेटफॉर्म फॉर दिस। बहुत छोटी सी एक बात है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सुबह उठ करके जितने भी बजे उठें, 5 बजे या 6 बजे या 6:30 बजे उठें और 2 गिलास, बड़े 2 गिलास पानी, मिनिमम 2 गिलास या संभव है तो उससे ज़्यादा पानी पी करके और टॉयलेट चले जाएं, आपके शरीर की 50% प्रॉब्लम्स फॉर योर लाइफ विल बी ओवर। आई कैन गारंटी यू, कितनी भी किताब उठा के देख लीजिएगा, मैंने हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें अध्ययन की हैं और दिस स्मॉल थिंग, सुबह उठ करके 2 से 3 गिलास पानी जितना आप कंज्यूम कर सकते हैं पी करके, और विद इन 2-3 मिनट to 4 मिनट यू विल फील प्रेशर एंड यू गो टू टॉयलेट, आपके शरीर की 50% समस्या, बस बशर्ते इट शुड बी अडॉप्टेड एज योर लाइफ स्टाइल। 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीना 2 महीना पीने से कुछ नहीं होता है, अगर आप अपने लाइफ स्टाइल में अडॉप्ट कर लें तो वो शायद आपके जीवन के लिए, जीवन भर के लिए आपको स्वस्थ रखने के लिए बहुत काफ़ी होगा। ठीक है, तो आप ज़रूर इस पे विचार कीजिएगा, ज़रूरी नहीं है कि आज अडॉप्ट कर ही लीजिए या कल अडॉप्ट कर ही लीजिए या सभी लोग अडॉप्ट करिए, ध्यान में रखिएगा जब कभी आपको पेट की प्रॉब्लम शुरू होगी, कभी पेट में दर्द रहना शुरू होगा तो याद आएगा कि कभी डॉक्टर साहब ने बोला था, उस समय अडॉप्ट कर लीजिएगा, लेकिन ये जानिए कि दिस इज़ वेरी, आई मीन इट विल प्योरीफाई, मतलब इंटरनल प्रॉब्लम जितनी हैं, पेट के साथ बहुत कुछ प्रॉब्लम्स रहा करती थी पहले, पेट में दर्द होता था, बहुत फ्रिक्वेंटली होता था, हर हफ्ते 10 दिन में एक बार ही ज़रूर हो जाता था, सफ़र करते थे एंड ऑल दैट, पेट में कुछ माइनर वो जो अल्सर, माइनर नॉट मेजर था, लेकिन ऑलमोस्ट 15 ईयर्स बैक वंस आई अडॉप्टेड दिस हैबिट, इट स्लोली, कब वो चला गया मुझे ध्यान भी नहीं कि कब वो इन मेनी अदर प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद डाइजेशन सिस्टम, बट देन ऑल ऑफ देम गॉन स्लोली, यू डोंट रिमेंबर इवन कब आपको चला गया। तो आई थॉट दिस इज़ माई पायस फीलिंग कि हम आपको ये शेयर करें। फ्रेंड्स, दिस वॉज अ स्लाइटली डिफरेंट टॉपिक, और अगर खाना खाने के बाद जो है करीब 40-45 मिनट तक पानी ना पिए, 45 मिनट के बाद पानी पिए, आपका जो बॉडी है वो जब आप खाना खाते हैं तो सलाइवा के साथ जब फर्स्ट निवाला अंदर जाता है तो आपके सिक्रेशन शुरू होता है एसिड्स का पेट में, जो आपके खाने को डाइजेस्ट करते हैं, और अगर आपने उसके साथ पानी पी लिया या ठंडा पानी पी लिया तो और ही ख़राब है, तो वो एसिड जो है वो डाइल्यूट हो जाता है, और डाइल्यूट होने की वजह से आपका जो खाना है उसको पचाने की शक्ति उसकी बहुत कम हो जाती है, और इस वजह से डाइजेशन, एंड जैसे ही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़ा सा भी डिसऑर्डर हुआ उसका रिफ्लेक्शन आपको चारों तरफ, सर दर्द हो रहा है तो लेजीनेस हो रही है, तो पैर में हल्का कहीं दर्द हो रहा है, एवरीवेयर यू विल फाइंड सम प्रॉब्लम आउट ऑफ दैट। इसलिए खाने के साथ अगर 45 मिनट तक अगर पानी नहीं पिए और उसके बाद खूब पानी पिए, 1-1.5 गिलास पानी पी लें, दैट इज़ अनदर गुड लाइफ स्टाइल हैबिट, अगर आप अडॉप्ट कर लें तो अनदर 20% ऑफ योर